बहुत सारे कस्टमर क्या करते हैं कि कटिंग करा के ये उतारने की कोशिश करते हैं। आपको ऑलरेडी पता है कि पेटीएम फास्टैग 15 मार्च के बाद बंद हो जाएगा, पर मार्केट में इतना कंफ्यूजन है कि आपने अभी तक कुछ किया ही नहीं। तो सबसे पहले बता देता हूँ कि पेटीएम फास्टैग और वॉलेट दोनों का ही बैलेंस आप 15 मार्च के बाद भी यूज कर सकते हो, पर 15 मार्च के बाद इसे आप रिचार्ज नहीं करा सकते। अब रिचार्ज नहीं करा सकते पर गाड़ी में फास्टैग तो चलाना है, तो इसके लिए आपके पास दो ऑप्शन है। तो पहला है कि जैसे आप अपना सिम पोर्ट कराते हो वैसे ही आपका फास्टैग भी पोर्ट हो जाएगा और किसी और बैंक के साथ लिंक हो जाएगा, पर इस प्रोसेस में अभी इतनी क्लैरिटी नहीं है तो मैं इसको अभी रिकमेंड नहीं करूंगा। अब बचा दूसरा ऑप्शन जो कि है पेटीएम फास्टैग को क्लोज कर देना और अपना बैलेंस विड्रॉ कर लेना। मेरे हिसाब से ये ज्यादा बेटर ऑप्शन है। तो पेटीएम फास्टैग को क्लोज करके अपना सारा बैलेंस विड्रॉ करने की अगर आपको डिटेल्ड वीडियो चाहिए तो कमेंट्स में यस लिख देना और ये वीडियो अपने पेटीएम फास्टैग यूजर्स के साथ जरूर शेयर कर देना।